हेलो फ्रेंड्स, माय एपचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मैं हूं एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। चलिए बात करते हैं आज की मेडिसिन के बारे में, जो कि आपकी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स यानी कि जो स्किन से जुड़े गंभीर रोग होते हैं उनको ठीक करने में काफ़ी असरदार है। इस दवा का नाम है बेटनोवेट एन क्रीम, जिसको GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो गंभीर रोगों में होने वाली खुजली, त्वचा का लाल हो जाना व त्वचा में सूजन आ जाना आदि को ठीक करने में काफ़ी असरदार है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि मैं आपको इस दवा के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं इस दवा के उपयोग के बारे में। अक्सर त्वचा संबंधित समस्याओं के कारण हमारी त्वचा लाल होने लग जाती है व उसमें खुजली होने लग जाती है। यह दवा इन बीमारियों को ठीक करने में काम आती है, जिनका नाम है एक्जिमा, सोरेसिस, डर्माटाइटिस और इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े का काटना। अब बात करते हैं एक्जिमा और डर्माटाइटिस के बारे में, आखिर ये होता क्या है। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि ये होता कैसे है, लेकिन यह माना जाता है कि जब भी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से कोई बाहरी सब्सटेंस या कोई केमिकल रिएक्ट कर जाता है तो हमारी स्किन में खुजली व लाल चकत्ते या रैशेज बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्जिमा और डर्माटाइटिस की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं सोरेसिस के बारे में, जो कि एक गंभीर समस्या है। यह तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होने लग जाती है और हमारी स्किन पर रैशेस यानी कि लाल चकत्ते होने लग जाते हैं व स्किन में सूजन व खुजली भी होती है। अब बात करते हैं यह दवा काम कैसे करती है। इस दवा के अंदर दो मेडिसिनल सॉल्ट होते हैं। पहला है बीटामिथासोन, जो कि हमारी स्किन में होने वाली सूजन को कम करता है, साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बिगड़ गई है उसको संतुलित करता है। और दूसरा है नियोमाइसिन, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ व स्किन में होने वाले संक्रमण को रोकता है, जो अक्सर किसी चोट या घाव से हमें हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस क्रीम को आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं जिस जगह आपको परेशानी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई सुधार नहीं दिखता है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें। इस दवा को लगाने से आपको जलन, इरिटेशन, खुजली व दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं इस दवा से जुड़ी हुई कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आपको पिंपल है या आपको चिकन पॉक्स है और यदि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन यानी कि कोई दाद है तो इस दवा का उपयोग ना करें। जो महिलाएं गर्भवती हैं व स्तनपान कराती हैं, इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। और आप घर बैठे बैठे भी डॉक्टर की सलाह हमारी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, और अगर आपको यह दवा ऑर्डर करनी है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। तो यह थी बेटनोवेट एन क्रीम से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए, और जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में इस दवा से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारी डॉक्टर की टीम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।